संत बाबा अमरीक सिंह कार सेवा की तरफ से बनाया गया आंखों का नया अस्पताल गुरुद्वारा मगर साहिब ईसरहेड़ी पटियाला का उद्घाटन विश्व प्रसिद्ध समाज सेवी प्रोफेसर डॉक्टर एसपी सिंह अबरॉय की तरफ से किया गया। सरबत दा भला ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर एसपी सिंह अबरॉय की ओर से चलाए जा रहे समाज सेवी कार्यों के तहत 226वां मुफ्त कैंप लगाया गया। इस मौके पर डॉक्टर मनप्रीत सिंह और उनकी टीम की तरफ से 800 ओपीडी की गई, जिसमें 150 के करीब जरूरतमंद मरीजों के आंखों के ऑपरेशन किए जाएंगे और 150 मरीजों को चश्मे बांटे और मौके पर दवाइयां भी बांटी। इस मौके पर संत बाबा अमरीक सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह अबरॉय, सरदार जस्सा सिंह प्रधान उत्तरी भारत, डॉक्टर दलजीत सिंह गिल, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर आरएस अटवाल, सरदार कुलदीप सिंह गरेवाल, जसविंदर शर्मा, सरदार अंग्रेज सिंह, जथेदार गुरमुख सिंह आदि इस मौके पर मौजूद थे। इस दौरान बाबा अमरीक सिंह ने सरबत दा भला ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर एसपी सिंह अबरॉय का अस्पताल को कीमती और आधुनिक मशीनें देने का खालसा सुरगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा मगर साहब च अज संत बाबा अमरीक सिंह जी के उपराले के नाल गुरुद्वारे विच एक 3 मंजिली जी है वो बिल्डिंग तैयार की गई, हॉस्पिटल के जिले 24 कमरे तैयार किए गए हैं और अज बाबा जी ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। नाल दे नाल एक अखा का कैंप अज लगाया गया इतने सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों के 226वां कैंप है। हूँ तक तकरीबन 23,000 ऑपरेशन जोड़े है ये ट्रस्ट करा चुका, जो कि ऑपरेशन तो बाद लैंस पा के दें अज इतने सारा जरा बार बड़ी रौनक लगी है, काफ़ी ओपीडी है अच्छे तो इतने साढ़े जिते असं अखा का कैंप लगा रहे हैं वो नाल बाकी डॉक्टर डॉक्टर आजाद ने, डॉक्टर गिल ने, डॉक्टर अग्रवाल ने, गरेवाल साहब है, सरदार जस्सा सिंह जो प्रेजिडेंट ने उन्होंने उपराले जरा इतने कैंप लगाया जा रहा है। ये अखा का तो हॉस्पिटल हो गया जिते कि डेली चैकअप होया करेगा। अज का जरा कैंप लगा ये जिन्हें भी ऑपरेशन होंगे वो ऑपरेशन जोड़े ऑपरेशन थिएटर साढ़े अखा के माहर साढ़े डॉक्टर मनप्रीत है उन्होंने टीम जी इतने आई हुई है, सो उन्होंने हॉस्पिटल में पटियाले जाके उन्होंने ऑपरेशन हो गए। ये सारे ऑपरेशन जिन्हें उन्होंने जिन्ना खर्चा होएगा सारा वो सरबत भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों किया जाएगा, बिल्कुल फ्री, किसी कलर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। नाल दी नाल मैं बाबा जी नाल हुणी सलाह कर रहे आप जिते असी अखा का अच करता है इस तो बाद असी 15 दिन रिफर करा साढ़े जो डॉक्टर है जनरल कैंप जरा कैंप नहीं जनरल जी असी इतने ओपीडी इतने कराया करा जिद कि हड्डिया के डॉक्टर आएंगे साढ़े लेडीज डॉक्टर आएंगे जनरल चैकअप हो जाएगा जिस ब्लड प्रैशर हो गया शुगर हो गया या किसी भी वगैरह तक यह सारा जरा ये भी टाइम टू टाइम कैंप लगते रह गए। सो जिस हिसाब न बाबा जी ने बिल्डिंग बनाई है सो मैं उम्मीद है और मैं अरदास करता वाहू अगर कि एक किस्म का कुछ देर बाद फुल फ्लैजरा हॉस्पिटल बन जाए। अज असी ऑपरेशन बाहर करा रहे हैं तो कोशिश ये करा कि जो ऑपरेशन थिएटर भी आप अप्रूवल लैके इस हॉस्पिटल करिए अखा के ऑपरेशन से भी बाहर ना जाना पड़े। जिते अज असी अखा का किया इस तरह जी बाकी भी सारिया है जनरल में असं वो भी बनाते रहेंगे तो एक दिन फुल जरा हॉस्पिटल बन जाएगा। दूसरा जरा अज इस एरिए लोड है जिते कि अब लागे छागे 20-25 किलोमीटर तक इन्नी आबादी है, इन्ने मतलब कि लोड़वंद लोग है जेडे कि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं लै सकते। उस तो बाद जो एजुकेशन का भी बड़ा है अज भी हम कह रहे थे बाबा जी कि एजुकेशन का कोई कॉलेज वगैरह खोलिया जाए। सो बिल्डिंग बनाने साढ़े बाबा जी उन्होंने सारा करना ही है। सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट वालों चाहे वह मेडिकल कैंप हो चाहे हेल्थ रिलेटड हो एजुकेशन रिलेटड कुछ भी होएगा असं हमेशा हमेशा बाबा जी खड़े हाँ जो भी असं सेवा कर सकेंगे ट्रस्ट वालों की जरूरत है। दूसरा मैं दस्या होनी कि अज असी अखा का साडा हो गया कि साडा हॉस्पिटल चल पाया बहुत जल्दी ही असी डॉक्टर गिल डॉक्टर आजाद की ड्यूटी लाई हुई है। सो इन्होंने सारा सर्वे करके असी एक जी लैब हैगी अप टू डिजिटल एक्सरे ये सारे टैसट होया करेंगे किडनी के टैसट ने लिवर के टैसट है लंग्स टैसट हो गए ब्लड हो गए यूरन टैसट हो गया इस तो अलावा ECG वगैरह तो अप टू डिजिटल एक्सरे तक जो है वो सारे टैसट जो अभी कराते फुल फ्लैज जी सा लैबोरेटरी हैगी है वो अस इतने बहुत जल्दी खोल देंगे बाबा जी की निगरानी में। इलाके ऐसे वार्ड बनाने हैं और खर्चा खर्चा इन्होंने लग रहा है।